हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज संडे है, थोड़ा सा लेट उठी हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सबके लिए चाय, क्योंकि आज घर में ना सब कोई लेट उठता है। मैं 4:30-5 बजे नहीं उठी हूँ, अभी सुबह का 7:30 के करीब ही हो रहा है। मैं उठी हूँ, रिलैक्स, मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीऊंगी सुबह का ना। चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके अभी मैं ऊपर जा रही हूँ। एक्चुअली संडे है ना, इतना मतलब ज्यादा रिलैक्सेशन अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए मैं उठ गई। और मतलब होता है ना, एक सुकून सा, लेट से उठो, कोई जल्दी नहीं है। कल से फिर स्टार्ट होगा अफरा तफरी, फिर से कल से फिर से अफरा तफरी स्टार्ट हो जाएगा। और कल रात को ये खुला हुआ था क्या? हाँ देखो, मैं ये खोल के गई, यहाँ से नजारा बड़ा अच्छा दिखता है। मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट। और ये रहा मेरा घर के बाहर की नज़ारा, ये देखिए। अभी दुर्गा पूजा का मार्केट स्टार्ट हो गया है, इसलिए इतना भीड़ भाड़ है। थोड़ी कम भीड़ है आज, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं जाऊं अपना, देखो ये सब मैं टांगे गई थी और ये नीचे गिरा हुआ है भाई साहब। और मेरा पेड़ पौधा को मैं देख लूं, आप लोगों को भी दिखा दूं। इसमें थोड़ा सा पानी का जरूरत है। और ये मेरा मनी प्लांट, ये देखो फिर ये खुल गया, ये फिर खुल गया। इसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये जमीन से ऐसे ही जाएगा। यहाँ से मैंने इसको डिस्कार्ड किया, नहीं तो जमीन तक आ रहा था। और ये बहुत मुझे सुंदर लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इस तरह से इसको ना यहाँ लगा दूं, ये अच्छे लगते हैं मुझे एक्चुअली। देखो, रहने दो यार, ऐसे इसको पसंद है रहना, तो ये ऐसे ही झूल जा रहा है बार बार, तो ये नीचे ही जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा ये सब मैं ना पानी दे दूं। हाँ मेन बात, ये देखो ये मेरा नया प्लांट्स बॉटल बचा हुआ था, उसमें मैंने लगा दिया। और ये देखो ये कितना अच्छा से रिलैक्स कर रहा है। इसमें एक मतलब ऐसे लगा दिया है, तो ये देखो ये अच्छा हो गया ना। ये एक साग आया था मेरा घर में, उसी से आप लोग मुझे बताओ लेकिन हाँ कमेंट करके जो कौन सा है। ये बहुत जन कमेंट किए भी है, बताए भी है सही सही। और मेरा ये कड़ी पत्ता पेड़, ये देखो कितना खिला खिला। ये एलोवेरा का पेड़ है मेरा, अच्छे लगते हैं। तो सुबह सुबह मैंने देखा कि प्लांट सारे सूख रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ थोड़ा सा पानी भी मैं इन लोग को दे दूं, पानी पिला दूं, क्योंकि कल सुबह मैं पानी दी थी और उसके बाद बारिश हो रही थी, बोल के मैंने सोचा कि चलो अभी पानी नहीं डालती हूँ। लेकिन अब सुबह में आके मैं देख रही हूँ कि नहीं, कल शाम को पानी डालने से थोड़ा अच्छा ही होता, थोड़ी सी मॉइस्ट रहता। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी सुबह सुबह इसमें जितना हो सके तो पानी मैं ऐड करूँगी, मतलब पानी डालूँगी, और उसके बाद नीचे जाके ब्रेकफास्ट का तैयारी करूँगी। देखती हूँ मैंग भी उठाए कि नहीं। और ये देखो अभी 7:45 के करीब हो रहा है, और मैं आपको दिखाऊँ, मैं रूम क्लीन कर चुकी हूँ क्योंकि मैंग उठ चुका है, और एक्चुअली अपना नानी का रूम में जाके फिर सो गया। और ये रहा मेरा घर का
मतलब मेरा रूम के बाहर से नज़ारा जो मैं आपको दिखाई थी वो ऊपर से था। और देखिए भीड़ मैं बोल रही थी ना, तो मैं दूर तक आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी भीड़ तो कम है, रात से ये मार्केट बैठ जाती है और दुर्गा पूजा का मार्केटिंग चल रही है। भाई साहब इतना सारा कपड़ा मिल रहा है, ये मेरे घर के नीचे ही एकदम। और बस मैं आ गई हूँ किचन में, चाय वाय तो हम लोगों की हो चुकी है। मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करूँगी, सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी जो झटपट बन जाती है। ऑलरेडी 8 बज रहा है और 9 बजे तक अगर ब्रेकफास्ट बन जाए ना तो क्या होता है कि थोड़ी सी मेरा भी रिलैक्सेशन हो जाती है। थोड़ी सी पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से ना, थोड़ा सा गर्म पानी पीने से क्या होता है ना, गला में थोड़ा सा आराम रहता है। अभी तो मेरा तो 2 दिन पहले ही तबीयत ख़राब था, थोड़ी सी गर्म पानी मैं पी रही हूँ, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं हल्का सा बस, जो ठंडा नहीं होता है वो उसको कटा के थोड़ी सी गर्म हो जाए, बस वही मैं पी रही हूँ अभी। और गला में थोड़ा सा आराम भी है इसके लिए, तो इसलिए गर्म पानी थोड़ा सा चढ़ाई में। सुबह सुबह उठ के ठंडा पानी, दिस इज नॉट फेयर। पियो 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 है। एक तो तुम 9 बजे उठता है, ऊपर से तुम 8 बजे उठते हो, अभी तो 10 बज रहे हैं। नहीं 7 बज रहा है, तो आज संडे का दिन इतना सुबह सुबह क्यों उठ गए हो हैं? पापा उठा था इसलिए, उठ के ठंडा पानी। कितना मासूम है तुम हैं सुबह सुबह, तुम बोल रहे हो मासूम बच्चा पढ़ाई करेगा सुबह सुबह, तुम पढ़ाई करेगा तुम। गुड मॉर्निंग, सेक्शन ए, डेट ऑफ बर्थ 2000। अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट का तैयारी करने। ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है और मैं का कहने का मतलब है उसको अंडा चाहिए आज, तो मैं बस संडे है सुबह सुबह अंडा खाना भी अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है। तो बस सबके लिए मैं ऑमलेट बना रही हूँ, मेरा ऑलमोस्ट सारा ही ब्रेकफास्ट बन चुका है। मैं क्या बनाई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फ़िलहाल मैं ऑमलेट बना रही हूँ मेरे लिए क्योंकि मुझे भी ऑमलेट खाने का मन हो गया और मैं तो ऐसे ही नॉर्मली फ्राइड चिकन खाएगा। तो बस चलिए मैं ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। चलिए जी, हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है एंड दिस इज आलू टमाटर सब्जी रोटी और अंडा, ये मेरा ब्रेकफास्ट। सबको ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है, मतलब सर्व कर दिया है, ये मेरा है सिंपल सा। तो बस यही है आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, एक बार 11:30 बज रहा है अभी। मैं तैयारी कर रही हूँ लंच बनाने की, फ्रेशन अप तो हो गई हूँ, पूजा पाठ भी मेरा हो चुका है, तो बस यहाँ पे लंच का तैयारी करूँगी। लंच में ना आज मैं बहुत अच्छा कुछ बनाने वाली हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने भी थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, मुझे मन हो रहा था नहीं पीना चाहिए मुझे, तब मेरा तबीयत तो एकदम ठीक नहीं है ना 2-3 दिन से, लेकिन फिर भी होता है ना कि रह जाए तो थोड़ा मन हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं चावल का तैयारी कर लूँगी और चावल चढ़ा दूँगी सबसे पहले, तो इससे क्या हेल्प हो जाएगा ना कि चावल अपने हिसाब से इंडक्शन में होते रहेगा और बाकी काम मैं करती रहूँगी। अच्छा बाय द वे, कोई ना मुझे इंडक्शन के बारे में पूछ रहा था, इसका बाइंग लिंक के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली ये ना मैंने बहुत पहले, मतलब बहुत साल पहले हो गया मैंने इंडक्शन लिया है और बस इसका कोई बाइंग लिंक नहीं है, मैं अमेज़न से नहीं ली हूँ, शॉप से ली थी। बहुत साल, 5-6 साल तो हो ही गया होगा मैंने इंडक्शन यूज़ करी, उससे ज़्यादा। और बस दादा यहाँ पे आ गए, बोले कि चावल धोना है क्योंकि उनको प्लांट्स में ये चावल का पानी देना है, क्योंकि चावल का पानी देने से ना प्लांट्स जो होते हैं ना बहुत हरे भरे हो जाते हैं, मतलब चावल जो आप धोते हैं ना जो पानी आप डिस्कट कर देते हो वही सारा पानी अगर आप प्लांट्स में दो ना तो बस डिस्कट नहीं करके तो प्लांट्स का हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाते हैं। तो दादा यहाँ पे चावल धो दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अभी दोपहर का 12:30 बज रहा है, हम लोग का नहाना धोना फिर पूजा पाठ सब चीज हो चुका है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, दादा जो ये पानी निकाल के इकट्ठा कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो ऊपर में प्लांट्स है ना उसमें जाएगा, इससे प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। आज बहुत संडे स्पेशल है ना,
बहुत काम हो रहा है घर में और मैं उसके बीच सोची कि बहुत अच्छा कुछ बनाऊंगी। मार्केट गए थे हम लोग, टमाटर का भाव आसमान छू रहा है, वेजिटेबल्स माय गॉड, कोलकाता में इतना दाम सब्जी का कि हाथ आप दे नहीं पाओगे। एनीवेज तो आज फिश आया है घर में, थोड़ा सा ही आया है, हिलशा फिश दादा लाए हैं, तो सब्जी कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं एक्चुअली। पालक रखा हुआ था पालक का पराठा बनाने के लिए, तो आज सोच रही हूँ वो आलू पालक बना दूँ साथ में और दाल बना दूँ, और फिश का ना तीन आइटम मैं बनाऊंगी एक्चुअली विदाउट टमाटो मैं बनाऊंगी। हिलशा फिश आया है, ना प्याज डालूंगी ना टमाटर डालूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी थोड़ा थोड़ा, दो पीस करके मैंने ऐसे डिवाइड किया कि मुझे बनाना है एक्चुअली। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करना, क्योंकि बहुत साल नहीं बहुत दिन बाद, फिर दुर्गा पूजा के बाद में हम लोग का घर में हिलशा फिश नहीं होते हैं एक्चुअली। तो अभी ये जो कुछ दिन का टाइम है ना, उसमें भी एवरी डे तो पॉसिबल नहीं है, तो आज संडे है, दादा लाए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज तीन आइटम बना देती हूँ तीन, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल चलो ये हो जाए तो चावल चढ़ा दूं मैं, दादा कम से कम हाय तो बोल दीजिए। दादा जा रहे हैं अभी ऊपर, सारे पेड़ पौधों में दादा डालेंगे ये वाला बल्टी लेके जा रहे हैं। ये पूरा जितना प्लांट्स है ना, सारे प्लांट्स में ये वाला दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है ना, इसमें फ्लावर अच्छे होते हैं, ग्रोथ अच्छे होते हैं, हम लोग अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे भी एक प्लांट्स हम लोगों ने अभी किया है, ये देखिए जो मनी प्लांट ऊपर में है ना, उसी का इसको ग्रो करा रही हूँ एक्चुअली। सोचे कि इस तरह से ग्रो होता है, मिट्टी में भी ग्रो होता है, इसमें भी ग्रो होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलो यहाँ पे चावल तो धुल चुके हैं, धुल के दादा ऐसे ही छोड़ के चले गए कि चढ़ा दे वो नहीं, चले गए। तो चलो मैं चावल वावल चढ़ाती हूँ और उसके बाद फिश का तैयारी करती हूँ। फिलहाल चावल तो धो चुके थे, मतलब धुल चुका था, तो मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ, और चावल भी होते रहेगा तो उसके साथ साथ मैं बाकी काम कर लूँगी। मैं यहाँ पे दाल का तैयारी कर रही हूँ, प्लेन सा मसूर की दाल बनेगी, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ, छौंक लगा के जो होती है ना वो दाल बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे आप कैन यू इमेजिन यहाँ पे वीडियो कौन कर रहा है, आप लोग गेस कर सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे वीडियो कर कौन रहा है। और बस बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे वीडियो हो रही है, तो मैं देख के तो हैरान हो गई कि इतना अच्छी तरह से कोई मेरा कैमरा पकड़ के इतना अच्छी तरह से वीडियो कर सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कर कौन रहा है एक्चुअली। तो बस यहाँ पे मैं दाल को छौंकने का तैयारी कर रही हूँ, दाल मेरा बन चुका है ऑलरेडी और बॉयल भी हो चुका है। थोड़ा प्याज वाला जो दाल होती है ना, आज मैं का डिमांड था कि मम्मा प्याज वाला दाल खानी है, तो बस प्याज से छौंक लगाती हूँ मैं दाल में कभी कभी, वो तो आप लोग देखे ही हो, बहुत सारा वीडियो में मैं दिखाई भी हूँ। तो मैं वही मतलब हंस रही थी कि कौन वीडियो कर रहा है, बाप रे बाप, मतलब मैं तो हैरान रह गई जी, पूरा हैरान। तो आप लोग अगर गेस कर सक रहे हो ना कि कौन मेरा वीडियो कर रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी। और बस यहाँ पे मैं मेरा दाल ऑलमोस्ट रेडी है, मैं हरी मिर्च भी दूंगी छौंक में, क्योंकि हरी मिर्च देने से ना, दो चार दे देने से ना, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, इसमें ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली हरी मिर्च मैं लेके आती हूँ मार्केट से हमेशा, ज़्यादा तीखी वाली नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो तो खा नहीं सकेगा, ज़्यादा तीखा हो जाएगा खाना तो। और लेकिन ये फ्लेवर वाला होने से ना क्या होता है ना, खुशबू बड़ा अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मेरा तड़का तैयार है, जो तड़का लगाने वाली हूँ मैं, सॉरी मैं ना अपने भाषा में बोल रही थी कि दाल में छौंक लगाने वाली हूँ, एक्चुअली हम लोग ऐसे ही बोलते ना घर में, तो वही निकल गया तो मुँह से, तो हम लोग तड़का लगाने वाले हैं। तो बस थोड़ी सी गैस ऑफ करके लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है मैं यूज़ करती हूँ, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं नहीं जानते हैं तो मैं उन लोगों को बोल दूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च का मैं तड़का लगाती हूँ हमेशा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लाल मिर्च नहीं खाते हैं, हमेशा कश्मीरी वाला यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये दाल मेरा तैयार हो गया है, और ये कढ़ाई ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, आज बर्तन कम था तो मैंने ये यूज़ कर लिया फटाफट से। तो चलिए आज की मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ा जाए, आज मैं बनाने वाली हूँ हिलशा फिश,
जो जिसको बोला जाता है इलिश मच्छी, बंगाल का फेमस फूड है जी। ये मैं तीन तरीके से बनाऊंगी जो मैं पहले भी बोली हूँ। तो पहला तरीका मैं बता रही हूँ, सारे फिश एक साथ ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल डालिए। बाय द वे ये सरसों का तेल से ही बनता है। थोड़ी सी हल्दी मैं ऐड कर रही हूँ, उसके साथ थोड़ी सी नमक मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। बस ये सारे सब चीज़ एक साथ मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके छोड़ देना है आपको 5-10 मिनट के लिए। ऐसा नहीं कि रात भर मैरिनेट करके रखना है या कुछ ऐसा 2-3 घंटा के लिए मैरिनेशन में डालना है, ऐसा कुछ नहीं। 5-10 मिनट आप तैयारी करते करते, जितना देर आप तैयारी करो फिश बनाने का, उतना देर ही आप मैरिनेशन में इसको रख दो। बस उसी में ही इसका टेस्ट खिल के आएगा, निखर के आएगा। आज तो मैं बिना टमाटर का बनाने वाली हूँ, क्योंकि प्याज का, क्योंकि ये जो हिलशा फिश है ना, ये प्याज टमाटर नहीं जाते हैं जी। तीन टाइप का इसका मैं इतना, मतलब दो दो फिश करके तीन टाइप का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये पहला रेसिपी मास्टर्ड वाली, सरसों वाली फिश होती है। ये मास्टर्ड पाउडर ना रेडीमेड मिलता है आपको मार्केट में। बाय द वे ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मार्केट में मिलता है, किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा, ग्रॉसरी शॉप में। तो वहाँ से मैंने लेके आई। बस इसको सिर्फ इंस्टेंटली बनाना है। सरसों वाला फिश, मतलब इसको बोला जाता है शोरशे इलिश, इसका स्पेसिफिक नेम है शोरशे इलिश, और ये बंगाल का बहुत फेमस डिश है, डिश में से एक है। तो इसको सरसों को पीस के बनाया जाता है। तो अभी रेडीमेड ऐसे पाउडर मिलता है, उसको आप एक पेस्ट टाइप का बना लो पानी घोल के, इंस्टेंटली आपका सरसों बाटा बन के रेडी हो जाएगा। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल में ही ये बनते हैं, तो बस ऑयल को थोड़ा सा फैला लिया मैंने। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, और हरी मिर्च 2-4 हरी मिर्च स्प्लिट करके ऐड कीजिए, और उसमें ऐड कर दीजिए डायरेक्टली ये वाली पेस्ट जो मैं बना के रखी थी। उसमें थोड़ी सी पानी हमको ऐड करना है, बस अब कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी नमक ऐड कर दीजिएगा, ये ज़रूर से कीजिएगा। और इसका ना बॉयल आने का, मतलब उबाल आने का इंतज़ार कीजिए, बहुत अच्छे से उबाल आ जाए। देखिए थोड़ा बहुत उबाल आ चुका है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, और इसके साथ ही थोड़ी सी नमक। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बंगाल ऑथेंटिक डिश में इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं किया जाता है, किसी भी हालत में नहीं किया जाता है। और ये मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है, गर्मा गर्म चावल के साथ ना ये बहुत टेस्टी लगता है। बस फ्लेम को स्लो करके 5-10 मिनट इसको पका लीजिए, इसमें अच्छी खासी उबाल आ जाए। देखिए सारा पानी, इसका मॉइस्चर जो है आधा उड़ चुका है और ये गाढ़ा हो चुका है। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, और ज़्यादा पतली नहीं बनती है ये, बस इतना ही थोड़ी गाढ़ा गाढ़ा बनती है और बस थोड़ी थिक होती है। और बस इसमें मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ, मैं 2 फिश का हिसाब से बना रही हूँ, तो बस 2 फिश का हिसाब से ही ये मैं सरसों इसी तरह से ऐड की हूँ। और बस एक पैकेट काफ़ी होती है, और बस यहाँ पे मैंने फ़िश को अलट पलट के ग्रेवी में कोडेट कर लिया, मतलब मसाला में इसको कोडेट कर लिया है। अब इसको कुछ भी आपको नहीं करना है, ये रेडी हो जाएगा तुरंत में। आप ढक्कन लगा के बस 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम में इसको पका लीजिए। बस ये फिश भी आपका रेडी हो गया है, इसका ग्रेवी भी तैयार है, गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हो आफ्टर 15 मिनट्स। तो बस आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपको चेक कराती हूँ। लुक एट दिस, फ़िश पूरी तरह से पक चुका है और ये डन हो चुका है। वो है ना बहुत इजी रेसिपी, और आप ये बंगाल का एक मतलब ऑथेंटिक रेसिपी भी बोल सकते हैं। इसमें ये उतारने से पहले सरसों का तेल ऊपर से ज़रूर दीजिएगा, 1 स्पून के करीब, मतलब थोड़ा सा ही सरसों का तेल। उसका जो स्मेल होती है ना, वो बहुत अच्छी अमेजिंग लगती है गरम चावल के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ। तो ये फ़िश रेसिपी तो हो चुका है, चलते हैं दूसरा फिश रेसिपी के तरफ। उसके पहले तो लुक एट दिस, और ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत टेस्टी लगती है, ट्रस्ट मी, इतना अच्छा लगता है ना। आप एक बार बनाइएगा तो आपको मन करेगा दोबारा हम फिर बनाएं, क्योंकि इतना आसान रेसिपी है और इतना टेस्टी रेसिपी है, और मतलब और गर्मा गर्म चावल के साथ। ये रोटी पराठा के साथ अच्छा नहीं लगता है जी, ये चावल के साथ ही लगता है अच्छा।
तो चलिए दूसरा रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले चुकी हूँ और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। बाय द वे ये जो फ़िश का रेसिपी है ये भी सरसों का तेल में ही बनती है, मतलब हिलशा फ़िश आप बनाओ घर में तो मस्टर्ड ऑयल से ही बनाओ, दूसरा तेल में उसका स्वाद नहीं आएगा। थोड़ी सी कलौंची ऐड किया मैंने, उसके साथ स्प्लिटेड हरी मिर्च, ये तो मस्ट है जी। बस इतना ऐड करना है आपको, थोड़ी सी चटकने लगे हरी मिर्च और कलौंजी, साथ ही साथ आप पानी ऐड कर दीजिए। ये मैं बना रही हूँ, इसका नाम है इलिश मच्छर तेल झाल, तो बस तेल झोल एक्चुअली। इसमें बैंगन भी ऐड किया जाता है, मैं सिंपल सा बना रही हूँ। हल्दी और नमक ऐड किया मैंने, और बस कुछ आपको नहीं करना है। हल्दी नमक ऐड करने के बाद इसमें भी कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, अपने आप ये रेड कलर आ जाएगा। 10 मिनट फुल फ्लेम में पका लीजिए, लुक एट दिस, ये रेड कलर हो गया, लेकिन इसमें मिर्ची पाउडर ये ज़रा सा भी नहीं है, हल्दी का कलर ऐसा हो गया है। लेकिन ये बाद में ये ठीक हो जाता है जब आप फ़िश इसमें ऐड कर दीजिए। मैं इसमें फ़िश का जो हेड होती है ना सर, वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हिलशा फ़िश का जो हेड होती है ना वो बहुत स्वाद लगता है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो मतलब ये जो ग्रेवी है इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप बैंगन भी ऐड कर सकते हो, बहुत कोई करता है, मैं नहीं की हूँ। प्लेन सा सिंपल सा तरी वाली हिलशा फिश बना रही हूँ। इसको बोला जाता है ना इलिश माछे तेल झाल या फिर इलिश माछे झोल, जो होता है ऑथेंटिक स्टाइल में इसी तरह का बनता है। तो मैंने बना दिया उसको, और ऊपर से सरसों का तेल मस्ट है जी, ये तो मतलब एकदम ही मस्ट है। अब ज़रूर डालिएगा सरसों का तेल, और ये डन हो चुका है, कितना जल्दी बन गया है। ये भी गर्मा गर्म चावल के साथ अगर आप खाओ ना तो टेस्ट आपको पता चलेगा, कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही स्वाद लगता है जी। और ये रेसिपी भी आप घर में ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही इजीली बन जाती है, फटाफट बन जाती है, ज़्यादा मसालादार नहीं होती है, लेकिन इसका स्वाद अमेजिंग होता है। तो चलिए थर्ड कंपोनेंट के ऊपर जाते हैं। मैंने यहाँ पे दही ले लिया है, एक्चुअली मेरे पास थिक वाली दही थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी पतली वाली दही लगती है, तो दही में मैं पानी मिला लूँगी। और इसमें दही के साथ मैं ऐड कर रही हूँ एक पैकेट मस्टर्ड पाउडर, मतलब ये जो सरसों का पाउडर है वही मैं ऐड कर रही हूँ, शोरशे बाटा। एक्चुअली नहीं, ये दही इलिश है वो मैं बना रही हूँ, और ये भी बहुत फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। एक चम्मच के करीब मैंने पानी ऐड किया इसमें, क्योंकि थोड़ी सी ना पतली वाली दही हमको चाहिए, जो एकदम थिक वाली दही ग्रेवी हमको नहीं चाहिए थी, तो बस वो मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे एक पेस्ट टाइप का बना लिया। फ़िलहाल मैंने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में मैं पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत सारे पानी ऐड कीजिए, क्योंकि मुझे इसको स्टीम करना है फ़िश को, और ये दही वाली जो फ़िश होती है ना स्टीम में बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। और आप इसको भापा इलिश भी बोल सकते हो, दही इलिश या भापा इलिश कुछ भी बोल सकते हो इसको, और बहुत ही टेस्टी लगती है भाई। बंगाल की ये एकदम मतलब ऑथेंटिक डिश है, और एकदम फेमस बोल सकते हो ये डिश है। तो थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल मैंने ले लिया है, और उसमें ये जो पेस्ट मैं बना के रखी थी वो मुझे ऐड कर देना है इसमें डायरेक्टली। थोड़ी सी पानी ऐड करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा थिक वाली हमको नहीं चाहिए थी, तो बस इसमें थोड़ी सी पानी मैंने ऐड कर दिया है। तो बस पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी सी ना मतलब घोल लीजिए, घोल टाइप का बना लीजिए दही का। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये मैरिनेट किया हुआ हिलशा फिश, जो पहले मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ मैरिनेट किया वाला, और मैरिनेट करके भी रखी थी। और फ़िश का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हिलशा फ़िश का ना किसी भी पोर्शन को फेंका डिस्कार्ड किया नहीं जाता है, बहुत टेस्टी लगता है जी। आप लोग भी कभी बना के देखो, फिर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बस इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च, और आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, थोड़ी सी स्प्लिट करके ना हरी मिर्च आप ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी नमक बाद में ऐड कीजिएगा, नमक साथ ही साथ ऐड नहीं करना है आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, जब तक ये सारे कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पे पानी में उबाल आ चुका है मेरा, तो जो मैं अभी ये फ़िश बना के रखी ना, इसको मैं
ऐसे ऊपर में डाल के इसको ढक, थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल ऊपर से ऐड करना है और बस इसको ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम में 20 मिनट तक छोड़ देना है आपको। हाँ, बीच में मतलब आफ्टर 10 मिनट्स आपको ढक्कन हटाना है और थोड़ी सी नमक ऐड करना है, क्योंकि पहले ही नमक आप ऐड कर देते ना तो मतलब ऐड नहीं करना चाहिए एकदम शुरुआती में, तो फिश का जो ऑयल होती है ना वो निकलती नहीं है, पानी छोड़ देता है और जो रिज़ल्ट आप मांग रहे हो वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आफ्टर 10 मिनट्स आप इसमें ऐड कीजिएगा थोड़ी सी नमक। तो बस नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसको मिक्स दे देंगे, अच्छे से स्टर दे देंगे और फिश को थोड़ी सी पलट देना है आपको, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो फिश पलट दिया मैंने, सारे फिशेस एक साइड से ना ऑलरेडी पक चुका था तो दूसरे साइड से भी मुझे पकाना था, इसलिए मैंने पलट दिया अच्छी खासी। अब इसको ढक्कन लगा के और 10 मिनट्स पका लेंगे तो ये एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलिए ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है और इतना ज़्यादा स्टीम निकला है ना तो मेरा कैमरा में आ गया था। तो ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है, फिश पूरी तरह से पक चुका है। आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये बहुत इजी रेसिपी है। हिलशा फिश का रेसिपी सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कांटा होते हैं इसके अंदर, तो आपको अगर कांटा से कोई एलर्जी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फ़िश बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है जी। तो चलिए इसको भी सर्व कर लेती हूँ मैं। लुक एट दिस एरोमा और इसकी खुशबू, खुशबू तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आप खुद घर में बनाओ जी, फिर मुझे कमेंट करके बताओ। ये मतलब माइंड ब्लोइंग रेसिपी है और ये गरम गरम चावल के साथ, गर्मा गरम चावल के साथ बेहद टेस्टी लगती है ये वाली फिश। और आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ ना तो यही वाली फिश इसी तरह से देती है और बहुत टेस्टी लगता है, तो आप घर में भी बना सकते हो। हम लोगों का लंच वंच हो गया, थोड़ी सी मैं अभी रिलैक्स में बैठूंगी। ये देखो लंच कर लिया, अभी दही खा रहा है। हम लोग एक्चुअली सबको एंजॉय किए हैं दही, और वो जो देख रहे हैं ना वो एक्चुअली जगन्नाथ भगवान जी का वो टैटू किया हुआ, मतलब फैब्रिक किया हुआ टी शर्ट है मैं। चलो अभी थोड़ी बहुत ना रिलैक्स कर लेती हूँ क्योंकि जस्ट नाउ लंच की हूँ, किचन विचन क्लीन हो चुका है मेरा और अभी थोड़ा रिलैक्स करूंगी। ब्लॉग भी एडिट करना है क्योंकि कल सुबह का जो ब्लॉग है वो मैं एडिट नहीं की हूँ, वो मैं करूंगी। तो बस ब्लॉग पसंद आए, रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। बस इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जस्ट फॉर इंडियन मॉम विद परमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।